बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और सिर्फ कराची वालों का नहीं लेकिन जो पूरे सिंध से यहां पे आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे दोस्त सक्कर से भी आए हैं, हैदराबाद से भी आए हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूं। और ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बातें मुझे कम करनी आती हैं, अमल वो लोग भी लोगों को भी पता है कि वो अमल क्या करता हूँ और उनको भी पता है कि जिनके साथ करता हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा जो हमेशा मैंने ज़िंदगी में सीखी है कि मौला अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं, कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। हो सकता है आपको मार दिया जाए, हो सकता है आपको मार दिया जाए, हो सकता है आपको आपके ऊपर जुल्म किया जाए, लेकिन जीत आपकी होगी। तो मैं आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में मैं आलमगीर भाई को बुलाना चाहता हूँ। उधर सितमगर, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, ऐ सितमगर, इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू दूर आजमा, तू दूर आजमा, हम जिगर आजमाए, हम जिगर आजमाए। अभी अभी टाइम काफी मुख्तसर है, जिस शख्सियत का मैं नाम लूंगा वो शख्सियत एक शख्सियत नहीं है, वो एक कारवां बन चुका है, वो एक काफिला बन चुका है, वो एक मुट्ठी बन चुका है। उसका नाम जब लबों पे विरत में आता है तो खुदा की कसम कराची के गलियों कूचू हर एक जगह पे जहां पे करप्ट माफियाज बैठे होते हैं उनकी गांव पे टांग जाती है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, आज से पहले मैं खुद को इतना एम्पावर नहीं समझता था। यहाँ खड़े फिक्सेड के टी शर्ट में कोई इंसान खुद को इतना एम्पावर नहीं समझता था। जब से ये विजन मेरे भाई ने, मेरे कायद और रहबर, मेरे रहनुमा, मेरे सीरा, मेरे सीसा पिलाई दीवार आलमगीर खान एक कहने लाया है, वो आज भी विजन जिंदा है। इंशाल्लाह जब तक आपकी करप्शन जिंदा है इसका विजन भी जिंदा रहेगा। अभी 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 जरा तालियों की गूंजों को इजाफा कीजिएगा, क्योंकि क्योंकि जब शेर आता है तो धारा पहले से लगनी चाहिए। आपकी धारा से, आपकी तालियों से, आपकी गूंज से कराची का बेटा, पाकिस्तान का बेटा, कराची की शान, कराची की शान, पाकिस्तान की शान, आलमगीर खान, मैं उनको दावत दूंगा आपकी फिर भरपूर तालियों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं अपने फिक्सेड के तमाम वर्कर्स का, अहदेदारों का, अपनी बहनों का और मीडिया के दोस्तों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने यहां अपनी आमद से हमारे इस प्रोग्राम में, इस एहतजाज में चार चांद लगाए। ये एहतजाज, ये कोई अनोखा नहीं है, ये एहतजाज कोई ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ये बात कर रहा, ये एहतजाज कोई ऐसा नहीं कि कराची में कोई अलग से कोई बात की जा रही। हम अगर आज नालों की सफाई पर यहाँ जमा हुए हैं कि कराची में मौजूद जो सैकड़ों छोटे नाले, जो 41 बड़े बारिशी नाले, इन पर जो लाखों लोगों की आबादी कायम है, इनकी जान महफूज की जाए। हर साल जब बारिशें आती, चूंकि नालों की सफाई नहीं होती, नाले चौक होते, ये सारा बारिश का पानी इन आबादियों में चले जाता, बच्चे डूब जाते, लोगों को नकल मकानी करनी पड़ती, सैलाब आ जाते, और तब आपको ये वजीर आला और ये मिनिस्टर वगैरह सड़क पर मीडिया के साथ कहीं ताजियत करते नजर आते, कहीं मुजम्मत करते नजर आते।
नालों में गैसेस जमा होती, धमाके होते, हर महीने एक हादसा होता धमाकों का नालों में, लोग उसमें शहीद हो जाते, इमारतें तबाह हो जाती, और सिर्फ एक मुजम्मती बयान होता, दो चार दिन की ताजियत होती, सब खत्म। जब तक मीडिया सवाल करता, जब तक मीडिया का कैमरा उस मसले पर होता, तब तक वो मसला जिंदा होता, उसके बाद मसला खत्म। क्या ये कराची का हक है? क्या ये कराची को देना चाहिए था? क्या ये कराची डिजर्व करता है? जो शहर मुल्क की 60% टैक्स रेवेन्यू में वो मददगार साबित होता, उसका हिस्सा होता, क्या ये डिजर्व करता वो शहर? क्या ये जिंदगी होनी चाहिए थी हमारी आपकी? दूसरे सूबों के शहर कहां पहुंच गए? पिशावर वाले तसव्वुर नहीं करते थे कराची का, आज पिशावर की मिसालें आम देते हैं। लाहौर वाले कराची की मिसालें देते थे, आज हम घूमने के लिए लाहौर जाते हैं। यहां एक तरफ माहौलियाती मसाइल तो एक तरफ कर दें कि यहां कचरा है, आबो हवा ठीक नहीं है, पानी खराब है, वो माहौलियाती मसाइल एक तरफ, इंसानी जान को खतरा है, और कब कब होश के नाखून लेंगे? मुझे बताए ना कि क्या दूसरे किसी शहर में हम घर से निकलते क्या मोबाइल फोन का सोचते कि मोबाइल ना छिन जाए? दो दो मोबाइल जेब में रखने पड़ते हमें, एक एक महंगा मोबाइल घर पे रखना पड़ता, सस्ता मोबाइल जेब में रखना पड़ता। 2020 में 34,000 मोबाइल फोन इस शहर में छिन गए जो रिपोर्ट हुए, 1500 गाड़ियां छिन गई इस शहर में, 2500 मोटर बाइक्स छीन ली इस शहर में, किसी का कुछ नहीं पता। 54 लोग मारे गए पिछले साल के 8 माह में, ना वो लोग पकड़े जाते और ना इसके मुस्तकिल मसाइल के हल के लिए काम किया जाता। और शायद इसलिए कि जो यहां के हुक्मरान हैं उनके लिए ये मसाइल ही नहीं होते, उनके तो बेटों से किसी ने शायद मोबाइल ना छीना हो, क्योंकि 10-10 पुलिस की मोबाइलें चल रही होती हैं उनके साथ, उनका बाप शायद किसी नाले में नहीं मरा, उनको क्या फर्क पड़ता। लेकिन एक आम आदमी की जान खतरे में आती, और इसीलिए मैं आया हूं। नालों की सफाई के लिए हमने अपनी डिमांड्स वजीर आला हाउस के बाहर, मैं खुद गया वहां, डिमांड्स दिए उनको कि खुदारा इन डिमांड्स पर काम कर ले, आप कोई हरकत दिखा दें, आप कोई अमल बता दें, कोई मंसूबा बता दें। और ये इसलिए मैंने इतना सबर किया कि आगे से कोई ये ना कहे कि मैं सियासत कर रहा हूं, इसलिए पहली बार मैंने इतना सबर किया, और आज भी मैं सबर के साथ कायम हूं, खड़ा हूं। मैंने उनको कहा कि नालों पर मौजूद कचरे की सफाई करें, उनसे कहा कि नालों पर मौजूद तजावुजात की मंसूबा बंदी करें, लोगों को मुआवजा दे लेकर जाए, जिस तरह गुज्जर नाले में, महमूदाबाद नाले में, औरंगी टाउन के नाले में लोगों को मुआवजा दिया, उनको हटाया उन आबादियों को। इनसे डिमांड की के नाले में मौजूद जो यूटिलिटीज है, बिजली की लाइन, गैस की लाइन, सीवरेज की लाइन, पानी की लाइन, जो किसी भी हादसे का सबब बन सकती, इनको खत्म किया जाए। इनसे डिमांड की के इस शहर में मौजूद जितने इंडस्ट्रियल एरिया जहां फैक्ट्रीज कायम है, इनके अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नस्ब करें, ताकि इनका केमिकल, इनका गंदा इंडस्ट्रियल वेस्ट वो नालों में ना आए और उससे आबादी मुतासिर ना हो। और ये सब कानून में लिखा हुआ है, ये सब कागज पे लिखा हुआ है, इन्हीं की असेंबलियों ने ये कानून पास किया, लेकिन अमल नहीं होती शहर में। और आज इसीलिए लोगों को जमा करके लाया हूं कि ये मसला, ये शहर के आगे मुस्तकबिल का मसला है। इस शहर में 60,000 गैर कानूनी इमारतें कायम की हुई है, और ये कोई बाहर से कोई एलियन नहीं आए थे, खलाई मखलूक नहीं आई थी, इसी वजीर आला के नीचे SBCA का इदारा है,
उनके डीजी से लेके डायरेक्टर से लेके एक्सियन तक की मिली भगत से ये सब काम हुए। बिल्डरों को, बिल्डर माफिया को मुनाफा देने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए इस शहर के पार्क्स पे कब्जा किया, इस शहर की सड़कों पर कब्जा किया, इस शहर के फुटपाथ्स को नहीं छोड़ा, इस शहर के नालों को नहीं छोड़ा, इस शहर के प्लेग्राउंड्स को नहीं छोड़ा, ये सब कब्जा किए। और अभी आज हम एहतजाज के लिए आए तो मैं आया देखा इधर पुलिस की दो चार गाड़ियां खड़ी की, ये क्या समझते हैं डरा देंगे इससे, ये क्या समझते हैं इससे रुक जाऊंगा मैं, ये बुजदिले आला ये हमें रोकेगा, ये वजीर आला नहीं बुजदिले आला है। इन हथकंडों से, इन चीजों से ना मैं पहले रुका हूं ना आगे रुकूंगा। मैं मसाइल का हल चाहता हूं, आप हल दे दे मैं खामोश हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा। लेकिन ये सीना जोरी कर, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो फिर सीना हमारे पास भी है। कराची के लिए ये किसी शहरियत की, ये किसी तबके की, किसी फर्द की, किसी मोहल्ले की बात नहीं हो रही, ये इंसानियत की बात हो रही है। इंसान को खतरा है इस वक्त, वो इंसान कोई भी हो, उसकी जान सेहत उसके खानदान को खतरा है, उसके लिए निकले हम और इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं आज आया हूं यहां पर अपने फिक्सिट की तंजीम के साथ, हम वजीर आला को फिर से अपनी डिमांड्स के साथ डेडलाइन देने आए। अगर आपने हमारी इन डिमांड्स पे काम नहीं किया तो फिर हम वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे, हम वजीर आला बुजदिले आला के इस ये जो जो इसका घर है जहां पहले हमने कचरा फेंका, जहां पहले गटर का पानी फेंका उनको बताने के लिए कि शहर गटर के पानी में डूब रहा है, इसको बताने के लिए कि शहर के नाले चौक हैं इस वक्त और आपकी सीरियस तवज्जो नहीं है इस तरफ। फिर बारिशें आएंगी, फिर लोग मरेंगे, फिर आप निकलेंगे, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर जो नीले पीले बल्ब लगा के बता रहे शहर बदल दिया उसने, जरा देखो तो शहर की हालत क्या है, इंसानों की हालत क्या है शहर में। मैं वजीर आला को, मुराद अली शाह को ये बताना चाहता हूं कि आज मैं आया हूं, मैं यहां से आगे सिंध असेंबली के साथ जो चौक है मैं यहां तक वहां तक पैदल वॉक करूंगा पूरा मन तरीके से, हम वहां तक वॉक करेंगे अपने और पैगाम देंगे आपको कि इन मसाइल की तरफ आप तवज्जो दें, अगर तवज्जो नहीं दी तो इसके बाद जो अगला एहतजाज होगा वो वजीर आला हाउस के बाहर होगा। और फिर ये मैं यकीन से कहता हूं इनकी कांपे टांगेंगे भी। क्योंकि ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला किसी एक तबके का नहीं, पूरे कराची का मसला है और पूरे कराची को निकालेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम इंशाल्लाह यहां से मीडिया की मौजूदगी में हम यहां से पैदल मार्च करेंगे आगे जो चौक है कबूतर, ये जो चौक है सिंध असेंबली के साथ वहां तक मार्च करेंगे, पैगाम देंगे मीडिया के जरिए और वहां से हम अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस पैगाम के साथ कि अगला जो एहतजाज होगा अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो वो वजीर आला हाउस के बाहर होगा। आज हम पुरअमन रहेंगे, हम कोई रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, हम कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम पुरअमन तरीके से अपना पैदल वॉक करेंगे जो हमारा हक है, राइट है,
और वहां से हम रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नारा नारा नारा।